हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीत गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 30 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ एवरीडे साइंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो 30 जो है वो इंतहाई अहम एमसीक्यूज हैं एवरीडे साइंस के, जो तकरीबन हर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें आपका ही फायदा होने वाला है। और दूसरी चीज ये है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा जो है वो फेसबुक का पेज है, आप सब लोगों ने जो है वो जरूर लाइक करना है, ठीक है। और जल्दी जल्दी मेरे जिसने अभी तक फेसबुक पेज पे जो है ना वो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। उसकी वजह यह है कि अगर किसी को कोई क्यूरी है या किसी को कोई भी किस्म का सवाल है तो वहां यहां मुझसे वो मैसेज कर सकता है फेसबुक पे 1-to-1 जो है वो इंशाल्लाह मैं आपसे रابطे में भी रहूंगा। कोई भी आप मैसेज करेंगे तो उसका मैं आपको क्विकली रिस्पांस भी दे सकूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे मैं जो है वो रिप्लाई नहीं कर पाता। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए पेज बनाया है और उसके ऊपर मेरी अपडेटेड वीडियोस भी आती हैं जिस तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है। तो आप सब लोगों ने ये पेज जरूर लाइक कर लेना है। उसके बाद हम चल करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये है हमारा एवरीडे साइंस। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, 12 कंस्टिलेशंस रिफर टू एज एन जोडियक आर। तो ए साइन ऑफ रोमन गॉड्स एव इमेजिनरी रीजन दैट इकम्पासेस द पाथ ऑफ द प्लांट्स। तो ये इसका जो है वो बी इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, वो ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। ठीक है ना, कौन सा जो प्लैनेट है वो हमारा जो है वो मॉर्निंग स्टार कहलाता है। तो इसका जो है हमारा वीनस है, वीनस जो है वो हमारा मॉर्निंग स्टार जो है वो कहलाता है, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा है हमारा, कॉम्सेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज मूविंग अराउंड द सोलर सिस्टम इन। तो इसका है, एलिप्टिकल और हाइपरबोलिकल ऑर्बिट्स यूजुअली अकॉम्पाइंड बाय अ शाइनिंग टेल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा ए। और इसी तरीके से मैं बात करता हूं हमारा फोर्थ है हमारा एमसीक्यूज। तो फोर्थ हमारा क्या कह रहा था, टेम्परेचर ऑफ सन आउटर सरफेस इज। तो ये हमारा होता है 6000 सेंटीग्रेड का। सन का जो हमारा आउटर सरफेस होता है ना वो 6000 सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर। इसी तरह से हमारा, विच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एंड एक्स एक्सिस एज द फास्टेस्ट रेट। तो जुपिटर जो है हमारा फास्टेस्ट रेट पे जो है वो स्पिन होता है, ठीक हो गया। इसी तरह से, विच अमंग द फॉलोइंग फोर प्लैनेट्स इन द बिगेस्ट साइज। तो फोर प्लैनेट्स के अंदर जो है वो हमारा अर्थ भी आता है, ठीक हो गया। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम लिस्ट ऑफ प्लैनेट इन 2006। तो प्लूटो जो है वो ड्रॉप्ड हो गया था, ठीक हो गया। इस तरह से, द टर्म मीटियोर इज अप्लाइड टू एन इंटरप्लैनेटरी बॉडी। तो इसका हो जाएगा, आफ्टर इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एक्सप्लोड्स इन द मिड एयर एज बॉल ऑफ फायर। तो इसका हो जाएगा हमारा बी आंसर, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारा एक और है सवाल, अमंग द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम द वन विच हैज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन इज। तो ये है हमारा वीनस की लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन है इसकी। इसी तरह से हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शूटिंग स्टार्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, दे आर मेटियोर्स, इसका ये हो जाएगा ए, ठीक हो गया। इसी तरह से हमारा, विच प्लैनेट इज नोन एज वाटर प्लैनेट। ठीक है, वाटरी प्लैनेट है, तो ये अर्थ है हमारा जिसमें वाटर जो है। इस तरह से हमारा है, सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये किसने डिस्कवर किया सोलर सिस्टम, ये थे हमारे कॉपरनिकस, ठीक हो गया। इस तरह, ह्यूज कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ स्टार्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आर नोन एज। तो गैलेक्सीज कहलाती हैं ये, तो बी हो जाएगा इसका, तो ठीक हो गया। इधर, द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स इज नोन एज लाइट ईयर है, ठीक है, बी हो जाएगा इसका। इस तरह, विच प्लैनेट टुक रेडिश इन द नाइट स्काई। तो मार्स जो है वो हमारा रेड हो जाता है नाइट। इसी तरीके से हमारा 16 है, द प्लैनेट्स आर कैप्ट इन मोशन इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। तो 16 का हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसी तरह से हमारा 17 है, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज। हेवनली बॉडीज जो है 17 का एस्ट्रोलॉजी हो जाएगी हमारी। और 18 है हमारा, सुपरनोवा इज, सुपरनोवा क्या है, एन एस्ट्रॉइड है या डाइनिंग स्टार है या कॉमेट है या ब्लैक होल है या हमारा डाइंग स्टार है, ठीक है, सुपरनोवा। इसी तरीके से हमारा 19 क्वेश्चन, द मिल्की वे एक्सटेंड्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, तो ये है 10^5 लाइट ईयर, ठीक है, 10^5। 20 है हमारा, द एल्टीट्यूड्स ऑफ हेवनली बॉडीज अपीयर टू बी ग्रेटर देन दे एक्चुअली आर, दिस इज ड्यू टू
तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर रिफ्रेक्शंस की वजह से जो है हमारा वो ये होता है। 21 है हमारा, पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सीज इज कॉल्ड, तो ये कॉस्मिक एयर है हमारा, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शंस एंड मैपिंग ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स, तो ये कॉस्मोग्राफी, ठीक हो गया। तो 22 का हमारा बी हो जाएगा। नो 23 है हमारा, द सेम साइड ऑफ मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ बिकॉज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून ऑन इट्स एक्स एक्सिस एंड पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सी, ठीक हो गया, सी हो गया हमारा ये। 24 है हमारा, द लाइट कंटेनिंग फ्रॉम स्टार्स गिविंग द आइडिया gives the idea of their rotational speed, ठीक हो गया। 24 का हमारा बी हो जाएगा। The constellations of stars appears at different positions in the sky at different times during night metallicity, तो 25 का वो ए हो जाएगा because earth rotates about its x axis, ठीक है। और 26 से हमारा the sun spots cause क्या है इसकी, तो इसकी cause है aurora australia and aurora borealis polar auroras, और 26 का भी है मैग्नेटिक स्टॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसका पूरा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 27 है हमारा, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, ये हमारा हो जाएगा सी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। 28 है द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट स्टार बिसाइड द सन फ्रॉम द अर्थ इज, तो ये फॉर लाइट ईयर्स है, ठीक है। और हमारा 29 है हमारा, लूनर इक्लिप्स डज नॉट अकर एवरी मंथ बिकॉज द मून्स ऑर्बिट इज नॉट ऑल द टाइम इन द सेम प्लेन एज द अर्थ, ठीक है। तो बी हो जाएगा हमारा ये। और 30 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस सेलेस्टियल बॉडीज बियर्स द सी ऑफ ट्रांसक्यूलिटी एंड द ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स, तो हमारा इसका हो जाएगा मून, ठीक है। 30 का हमारा सी हो जाएगा। तो ये 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे जो कि तकरीबन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको कोई ना कोई जरूर फायदा हुआ होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।